दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे विधवा पेंशन ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना होगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सबसे पहले आपको एक अपना कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना होगा। जैसे आप ब्राउजर ओपन करिएगा, ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स में लिखना है विधो पेंशन, इतना आपको लिख के सर्च कर देना है। जैसे आप इतना लिखिएगा और इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा sspy.up.gov.in, आपको विधवा पेंशन, यहाँ पे आपको पहले इसी लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, थोड़ा सा वेट करिएगा फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा निराश्रित महिला पेंशन, पहले देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, जैसे नीचे स्क्रॉल करिएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने का ऑप्शन मिल जाएगा। नीचे जाइएगा, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे निराश्रित महिला पेंशन और योजना के विषय में अगर जानकारी चाहिए तो इस पर आप क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आवेदन के प्रारूप कैसे आवेदन करना है उसके जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन आवेदन करें, यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप पहले से आवेदन है तो यहाँ से आवेदक लॉगिन कर सकते हैं पात्रता का जांच करने के लिए। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे देखिए पेंशनर सूची मिल जाएगा, किस ईयर का आपको पेंशन सूची निकालना है, यहाँ से आप लिस्ट निकाल सकते हैं, अपना नाम चेक कर सकते हैं, किसी भी सन का आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन का, तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन वाले पर क्लिक करना है। जैसे आप ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने फिर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा निराश्रित महिला पेंशन महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। और नीचे जैसे आइएगा देख सकते हैं महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन हेतु आवेदन पत्र, जिसका पति मर गया उसके लिए आवेदन पत्र है। यहाँ सबसे पहले आपको देख सकते हैं व्यक्तिगत विवरण, आपको अपना विवरण फिल करना है, जैसे अपना जिला फिल कर दीजिएगा। इसके बाद आपको निवासी कहाँ के, अगर शहरी क्षेत्र है तो नगरी करिएगा, नहीं तो आप ग्रामीण गाँव से है तो ग्रामीण। इसके बाद आपको अपना तहसील सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे आवेदिका का नाम, और एक चीज़ आपको ध्यान दीजिएगा नाम जो आधार कार्ड पर अंकित हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको देखने को मिल जाएगा नाम जो आधार कार्ड में अंकित हो वही आपको यहाँ पे फिल करना है। जेंडर पहले से सिलेक्ट रहेगा फीमेल का, क्योंकि विधवा पेंशन फीमेल का ही बनता है। इसके बाद फीमेल आपको पहले से सिलेक्ट रहेगा। इसके बाद आपको नीचे आना है, जन्म तिथि भर देना है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बॉक्स, उस पर क्लिक करिएगा, कैलेंडर खुल के आ जाएगा। इसके बाद आपको पति का नाम फिल करना है, जैसे आप यहाँ पे पति का नाम फिल करिएगा। इसके बाद आपको कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना है, अपना कैटेगरी कि आप ओबीसी एससी एसटी किस कास्ट के हैं। इसके बाद नीचे आपको देखने को लोग संपर्क सूत्र मोबाइल नंबर, यहाँ आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर फिल कर देना है। फिर आपको पूरा एड्रेस, आपका जो भी पूरा एड्रेस होगा जो आधार कार्ड मेंशन होगा वो पूरा फिल कर देना है। फिर देखिए बैंक का विवरण, इसके बाद सबसे पहले आपको बैंक का नाम फिल कर देना है। इसके बाद बैंक शाखा नेम, इसके बाद खाता संख्या, यहाँ पे आपको एक अकाउंट नंबर फिल करना है। इसके बाद री इंटर बैंक नंबर, वही अकाउंट नंबर फिल कर देना है। फिर यहाँ पे आईएफएससी कोड फिल कर देना है। जैसे इतना फिल करिएगा, देखिए हम मेरे बोलने का मतलब है कि जो आधार कार्ड से लिंक होगा आपको वही फिल करना है उसमें, जो आधार कार्ड में लिंक होगा बैंक। इसके बाद देखिए आय का विवरण, यहाँ पर अपना इनकम अप्लीकेशन आवेदन संख्या भरिएगा, यहाँ पर इनकम जो सर्टिफिकेट रहेगा उसका नंबर फिल कर दीजिएगा, आय प्रमाण पत्र का। इसके बाद आपको यहाँ पे दस्तावेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, पहले देख सकते हैं यहाँ पे दस्तावेज देख लीजिएगा। यहाँ पे फोटो अपलोड करना है जिसका साइज 20 के भी होना चाहिए और डॉक्यूमेंट जो भी रहेगा उसका साइज 200 के भी होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पीडीएफ जेपीजी कुछ भी रहेगा 200 के भी और 20 के भी। देखिए अपलोड रंगीन पासपोर्ट के आकार की फ़ोटो जो रहेगी वो पासपोर्ट आकार रंगीन में रहना चाहिए। इसके बाद नीचे आपको आना है तो यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड जन्मतिथि आयु प्रमाण पत्र, जैसे हो सकता है एज बर्थ, जैसे जन्मतिथि जन्म प्रमाण पत्र होता है आधार कार्ड। इसके बाद पति का मृत्यु प्रमाण पत्र नीचे आपको देखने को मिलेगा, मृत्यु प्रमाण पत्र आपको ये तीन दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड मृत्यु प्रमाण पत्र और फोटो। अब यहाँ से आप चूज फाइल पर क्लिक करके आपको अपलोड कर देना है फोटो। इसके बाद आपको अपना एज प्रूफ, इसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे खुलेगा, यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा। जैसे आप अपलोड कर दीजिएगा इसी तरीके से आपको तीनों अपलोड कर देना है। जैसे आप तीनों अपलोड करिएगा, जैसे आप देख सकते हैं अपलोड जन्मतिथि, वैसे ही चूज फाइल पे क्लिक करना है और आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पे आधार कार्ड भी दे सकते हैं और जन्म प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं
इसके बाद आपको नीचे वाला भरना है, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके। इसके बाद आपको नीचे डिक्लेरेशन फॉर्म का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक चेकबॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है, लेकिन इसको पढ़ लेना है। जैसे कि मैं घोषणा करती हूँ कि मैं केंद्र एवं राज्य सरकार, कैप्चा कोड नीचे फिल कर दीजिएगा, लेकिन आपको ऊपर वाला ये डिक्लेरेशन फॉर्म जो है आपको ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद सबमिट करना है। चलिए पहले उसको पढ़ लेते हैं, आप पढ़ लीजिएगा उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं जैसे कि मैं घोषणा करते हो, अगर आप कुछ और किसी सुविधा का लाभ ले रहे हैं, किसी और कोई पेंशन ले रहे, तो आप ये नहीं भर सकते, इसलिए वो पूरा डिटेल में दिया गया है। उसको पढ़ के फिर कैप्चा कोड फिल कर दिएगा और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एक अप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, आपको उसको अपने पास रखना है और आपका कुछ दिन में अप्रूव जैसे हो जाता है आपका विधवा पेंशन बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग श्रेष्ठी।